दोस्तों, आज मैं आपको दो ऐसी पावरफुल चीजों के बारे में बताने वाली हूँ जिनको अगर आप मिलाकर साथ में खाएंगे तो हड्डियों की कमजोरी, जोड़ों का दर्द, मांसपेशियों में खिंचाव, अकड़न, चलते वक्त अगर पैरों में लचक पड़ती हो, हाई बीपी की प्रॉब्लम हो, शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता हो, ब्लॉकेज की समस्या हो या फिर शरीर में किसी तरह की अंदरूनी कमजोरी हो, तो इन सभी समस्याओं को वो दूर कर देगा। इसके अलावा जिनका मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ गया है और वो अपने वजन को कम करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा फैट को कम करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी यह बहुत फायदेमंद है। और ये रेसिपी बहुत ही आसान है, आप घर पर बना सकते हैं। अगर घर पर कोई डायबिटिक है जिनको शुगर की बीमारी है, उनको भी इसे दे सकते हैं, उनके लिए भी ये बहुत फायदेमंद होगा, उनके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करेगा। तो सबसे पहली चीज आपको इस्तेमाल में लानी है वो है मखाना। यह बहुत ही पावरफुल होता है, औषधीय गुणों से भरपूर होता है। दोस्तों, इसके अंदर ताकत भरी होती है, ये ताकत का खजाना है। इसको खाने से शरीर में एनर्जी की कमी पूरी हो जाती है, क्योंकि मखानों में भरपूर मात्रा में कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और कॉपर होता है। यह प्रोटीन का भी बहुत अच्छा सोर्स होता है। दोस्तों, साथ ही मखाने में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है जो उम्र के असर को भी कम कर देती है। इसके अलावा इसे खाने से हार्ट हेल्दी रहता है, दिल तंदुरुस्त रहता है। जिन्हें ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है उनके लिए भी ये बहुत फायदेमंद है, ये बीपी को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर हम एक कटोरी के करीब मखाने ले रहे हैं। यहाँ अगली चीज जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो है दोस्तों गोंद। यह वही गोंद है जो सर्दियों के दिनों में लड्डू में डाली जाती है, आप इसके बारे में शायद जानते ही होंगे। एक बात ध्यान रखना कि ये गोंद जो है दोस्तों औषधीय गुणों से इतनी भरी हुई है कि ये हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है, हमारे हार्ट से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम्स है उन्हें दूर कर देती है, हमारे मसल्स को यानी मांसपेशियों को मजबूती देती है, सर्दी, जुखाम, खांसी इनमें बहुत फायदेमंद होती है, पेट के अंदर किसी तरह का कोई इन्फेक्शन है उनको भी इस गोंद का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। ये हमारे शरीर में कमजोरी, सुस्ती, थकान, आलस इनको भी दूर कर देती है। इसके अलावा जिनको माइग्रेन यानी सिरदर्द की समस्या रहती है उनके लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। इसके अलावा गोंद के बहुत सारे फायदे हैं अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है, हड्डियों से रिलेटेड अगर किसी को कोई भी समस्या है, कमर दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, कंधे में दर्द रहता है, ये गोंद उनके लिए भी बहुत फायदेमंद है। जिनको दोस्तों अंदरूनी कमजोरी है उनके लिए भी ये बहुत फायदेमंद है, गोंद खाने से वीर्य बल बढ़ता है। इसके अलावा जिन महिलाओं को लिकोरिया की समस्या है, सफेद पानी की प्रॉब्लम है, काफी सालों से है, उनके लिए भी ये रेमेडी बहुत फायदेमंद है। दोस्तों, आपको क्या करना है, मखाने और गोंद दोनों को लेना है। यहाँ हम गोंद जो ले रहे हैं वो 2 चम्मच की मात्रा में ले रहे हैं और जो मखाने ले रहे हैं वो 1 कटोरी की मात्रा में ले रहे हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इसे बनाना कैसे है। वीडियो आपने क्या करना है, एक पैन को गैस के ऊपर रख दीजिए। अब हमने यहाँ क्या करना है, सरसों के तेल का इस्तेमाल करना है। मैं हमेशा खाना बनाने में भी सरसों के तेल का ही इस्तेमाल करती हूँ, मार्केट वाला सरसों का तेल नहीं, बल्कि जो सरसों के दाने आते हैं हम उनमें से ही तेल निकलवा कर खाना बनाने में इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ हम गोंद को फ्राई करने के लिए भी उसी तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ मैंने सरसों का तेल डाल दिया है और करीबन 2 चम्मच गोंद इसमें डाली है और ये बहुत अच्छे से फूल जाएगी, फ्राई हो जाएगी। अगर आप पतले होना चाहते हैं तो थोड़ा तेल कम डाल लीजिए, वैसे सरसों का तेल मोटापा नहीं लाता। उसके बाद जो फ्राई हो चुकी गोंद है उसे प्लेट में निकाल लीजिए और इसी तेल के अंदर आप मखाने को भी डालकर हल्का हल्का फ्राई कर लीजिए। ये दोनों की दोनों चीजें जो है वो जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द, कमर दर्द से आराम दिलाती है। डायबिटिक पेशेंट के लिए इन दोनों का सेवन करना काफी फायदेमंद है, दिमाग को शांत करती है, स्ट्रेस को दूर करती है। इसके अलावा मखाने अच्छी नींद लाने में सहायक हैं। जिनको अनिद्रा की समस्या है उनको भी इन दोनों चीजों का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। अब हमने क्या करना है, जब ये दोनों चीजें फ्राई हो चुकी हैं, हमने इन दोनों चीजों को आपस में मिक्स कर लेना है एक प्लेट में। और इनके अंदर सबसे पहले मैं डाल रही हूँ, ये है मेरे पास सेंधा नमक। हम खाना बनाने में, पकाने में भी सेंधा नमक या काले नमक का ही इस्तेमाल करते हैं, आयोडीन नमक हमारे घर पे है ही नहीं। दोस्तों, ये सेंधा नमक जो है ये इसके ऊपर 2 चुटकी डाल रही हूँ। इसके अलावा दूसरी चीज जो हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं वो है काली मिर्च, और काली मिर्च का ही इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए बजाय लाल मिर्च के, या फिर आप हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ मैं काली मिर्च पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ 2 चुटकी। और तीसरी चीज जो हम यहाँ इसके ऊपर डाल रहे हैं वो है कसूरी मेथी, नॉर्मली मार्केट में मिल जाती है सूखी हुई, वो इसमें इस्तेमाल की जा रही है। तो अब जान लेते हैं इसे खाना कब है। आप सुबह से खा सकते हैं नाश्ते के साथ, या फिर आप शाम को खा सकते हैं एज ए स्नैक्स, जब भी भूख लगे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके कोई नुकसान नहीं है। गर्मियों के मौसम में भी आप इसे बहुत आराम से खा सकते हैं, बस गर्भवती महिलाओं ने इसका सेवन नहीं करना, बाकी दूध पिलाने वाली जो महिलाएं हैं वो इनका इस्तेमाल बहुत आराम से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके शरीर में बहुत ज्यादा दुबलापन है, बहुत पतले हैं, शरीर के अंदर बहुत कमजोरी है, आलस है, आप अपने वजन को बढ़ाना चाहते हैं,
तो आपने दोस्तों क्या करना है, एक पैन लेना है, उसके अंदर एक गिलास दूध मिक्स कर दीजिए, और उसके अंदर हमने ये दोनों चीजें जो फ्राई की थी, पर इसके अंदर नमक मिर्च नहीं होना चाहिए, हमने इन दोनों चीजों के 2 चम्मच इस दूध के अंदर मिक्स कर देने हैं और इसको थोड़ा सा उबाला दे दीजिए। दोस्तों ये जो चीज, ये जो दूध तैयार हो गया, इसका सेवन आप रात को सोते टाइम करिए और सुबह उठकर नाश्ते के साथ भी कर सकते हैं। ये आपके वजन को तेजी से बढ़ाएगी क्योंकि हमने इसका इस्तेमाल दूध के साथ किया है। ये वीर्य बल को भी बढ़ा देगी। इसके अलावा जिन लोगों के अंदर बहुत ज्यादा थकान रहती है, कमजोरी रहती है, सारा दिन आलस में रहते हैं, तो भी उनको इसका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। अगर इस तरीके से आप मखाने और गोंद का इस्तेमाल करते हैं कुछ दिन के लिए, तो आपको फर्क दिखने लगेगा, लेकिन इसका इस्तेमाल रोजाना 2 महीने के लिए कर लीजिए, आपको ढेरों फायदे मिलेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपके काम की होगी, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए क्योंकि आपका लाइक, आपका प्यार मुझे मोटिवेट करता है। और अगर आपके कोई भी सवाल हो तो जरूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब भी जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके बाय।